अरुणाचल प्रदेश विधानसभा कोविड कंट्रोल रूम की ओर से नमस्कार। जैसे आप सबको मालूम है, हमारे यहाँ अरुणाचल में कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, ख़ास तौर के होम आइसोलेशन को लेके, यानी कि होम क्वारंटाइन को लेके। इसीलिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया है होम आइसोलेशन को लेके, और सारा गाइडलाइंस को आप लोग अच्छे से देखिए और इसका पालन कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। होम क्वारंटीन को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत होम क्वारंटीन वाले व्यक्ति सेपरेट रूम में रहें जिसमें अटैच वॉशरूम हो और अच्छा वेंटिलेशन हो। अगर एक ही वॉशरूम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो दरवाजे के हैंडल और टैप को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है उनके लिए अलग बर्तन, अलग टॉवल और अलग बिस्तर रखें। पौष्टिक खाने का सेवन करें जिनमें विटामिन और मिनरल की मात्रा ज़्यादा हो। जो व्यक्ति होम क्वारंटीन वालों को खाना सर्व करता हो वे केवल खाने को दरवाजे तक ही छोड़ें। पेशेंट खुद आकर अपने खाने को रूम के अंदर ले जाए। मानसिक हेल्थ का भी ख्याल रखें। अपने आप को उन कामों में व्यस्त रखें जो आपको खुशी देता हो। डिस्पोजेबल फेस मास्क और ग्लव्स को अच्छे से डिस्पोज करें। होम क्वारंटीन वाला व्यक्ति को दिन में कम दो बार अपना बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक करना चाहिए और अपना ऑक्सीजन लेवल को पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो अपना शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से चेक करें और बीपी चेक करने के लिए डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन प्रयोग करें। अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हाइजीन मेंटेन कीजिए और अपने आसपास की चीज़ों को जैसे मोबाइल फ़ोन, दरवाजे के हैंडल आदि को हमेशा सैनिटाइज कीजिए। हमेशा हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें और रोज़ाना दिन में 3 बार भाप या स्टीम लेते रहें। अपने आँख, नाक और मुंह को ना छुए। समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोए और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। पड़ोसियों और रेंट मालिकों से रिक्वेस्ट है कि कृपया होम क्वारंटीन में रहने वालों से दुर्व्यवहार न करें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन दयालु बने, सहायक बने, और केवल आपके और हमारे सहयोग से ही ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।